काफी रूम सर्च करे पर रूम कहीं मिल ही नहीं रहता है। पता नहीं क्यों, शायद हम बैचलर थे इसलिए नहीं मिल रहा था या कोई उठाना नहीं चाहता था। पर एक फिर अंकल मिले और उनसे बात करी तो उनने रूम दिया अपना, और जो कि 3rd फ्लोर में था, और उसमें बढ़िया था सब, पंखा वगैरह था और अलमारी वगैरह भी थी, किचन भी था छोटा सा और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ना क्या रूम वूम ले लिया, ये पीछे वाला रूम है दिखाते हैं, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। भाई साहब आप सबको पार्टी देनी है, क्योंकि सबने बोला था कि रूम जैसे ही फाइनल आएगा तो अनलिमिटेड पिज्ज़ा वगैरह कुछ उनका रहेगा। तो कुणाल और मैं स्टार्ट करते हैं। भाई रूम मिल गया, ऐसा लग रहा था कि यार बहुत गरीबी में रहेंगे। अब सही है। तो हमें मैक ओलिवर जाना है पिज्ज़ा, देखते हैं, लेट्स गो अनलिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड पिज़्ज़ा है, मतलब 250 रुपीज़ लगभग रहता है, देखते हैं। मैं 10 स्लाइस खाऊंगा, आप कितने खाओगे? बहुत खाओगे। चलो देखते हैं। की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, ऊपर रह सकी तो रबा है, अब है जो इधर MBA चाय वाला है। सही है। हमें 4th फ्लोर में जाना था, 3rd फ्लोर में कट गया, अब हम जा रहे हैं 4th फ्लोर में। चलो तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो अभी पिज्जा खाने आए, पिज्जा का वेट हो रहा है। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। में आपको 2 टाइप की मिलेगी मॉकटेल्स, जिसमें आप एक ले सकते हो 2 टाइप की, और ये सिंगल सेट था। 2 टाइप के सूप थे, 22 तरीके के कोल्ड सैलेड्स थे, अनलिमिटेड फ्राइज थी, और भी काफ़ी कुछ था जो कि इस मेन्यू में आप पोज करके पढ़ लेना, और जो कि 249 रुपीज़ के थे, और बच्चों के लिए 169 रुपये, मतलब जो 9 साल के बच्चे होते हैं। और डिनर, हाँ मतलब अगर डिनर के टाइम में आओगे तो ये 300 रुपये का हो जाएगा। कुणाल कैसा लग रहा है? कितने कितने पिज्ज़ा खा लिए, कितने स्लाइस? काउंटिंग नहीं। कैसा? एक नंबर। एक नंबर, कितना खा लिया? मेरा फेवरेट है, 10 बार खा रहा हूँ। अरे यार ये वाला पर मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी कितने और हो जाएंगे? 50? 20-25? 20-25? अरे भाई साहब आज पूरी रात खाना नहीं खाना है। बेल्ट भी खोल लिया। बेल्ट खोल लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया। और भाई ये काले भाई हमारे एक नंबर। अच्छा इधर है ना फ्रूट्स भी अवेलेबल रहते हैं। आज बस है ना थोड़ा संडे की वजह से भीड़ है, बाकी तो मज़ा आ गया, काफ़ी कुछ हो गया। तो अभी लास्ट में क्या रहता है, एक डेजर्ट रहता है ना, हाँ। उसमें क्या रहता है? वो तो आइसक्रीम मिलेगा एक, हाँ जो कि लिमिटेड रहेगा। अच्छा आइसक्रीम लिमिटेड है, और बस। अच्छा तो हमें एक आइसक्रीम मिलेगा, वो बिल्कुल वही वाली है जो मैंने पहले भी खाया हुआ है, वनीला और बट वो रहता है उसके लिए ब्राउनी, वनीला और ब्राउनी के साथ डेजर्ट मिलता है, अभी आएगा तब देखते हैं। चलो बाकी अभी सबका डन हो चुका है, हो गया आपका कुणाल भाई पूरा। पर हमारे एक भाई अभी भी जंग के मैदान में खड़े हुए हैं। भाई इनने कहा है कि आज इतना खाऊंगा कि 2 दिन तक नहीं खाना पड़े। 2 दिन? 4 दिन। 4 दिन भाई, बढ़िया। अच्छा चलो मजा आ रहा है, बाकी मैं दिखाता हूँ। अनामी भी लिया है, क्या लाया है? फ्रेंच फ्राइज, पनीर टिक्का, वाटरमेलन, स्पेगेटी। बढ़िया यार, बढ़िया सब। मेरा तो हो गया भाई, मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा भी नहीं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर पोस्टर काफ़ी अच्छे अच्छे लिखे हैं, दिखाता हूँ। तो पोस्टर्स काफ़ी अच्छे थे, अच्छा लगता है, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे सबसे बेस्ट ये वाला लगा था, ये वाला एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, ये सबसे बढ़िया था। इसके अलावा काफ़ी थे, काफ़ी अच्छा व्यू था देखने को, बस एक थोड़ा सा रहता है कि शोर ज़्यादा होता है उधर की, काफ़ी लोग होते हैं तो शोर हो जाता है, पर अभी तो थोड़े लोग कम हो गए थे, जब हम आए आए थे स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोग थे, और दोपहर में थोड़ा भीड़ इसलिए भी रहता है कि शाम को 300 हो जाता है, तो सब लोग 250 में खा के निकल जाते हैं। सिर्फ हमारा यही बचा है, हाँ हाँ, खा पी लिया एकदम। अरे अनामी का रह गया, कितना रह गया? और बस तो चले चलते हैं, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, नहीं थोड़ा नहीं, 1 किलोमीटर लगभग दूर होगा, तो 1 किलोमीटर दूर है, चलते हैं। तो अभी क्या हुआ था, फिर हम जब होटल थे तो बहुत मज़ा आया, खाया पिया, मेरा मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया आगे का,
उसके बाद अभी हम रूम पे आ गए। मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखाता हूँ, अभी काफ़ी गंदा पड़ा है। एक्चुअली गंदा पड़े होने का रीज़न ये है कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है, बारिश बहुत होती है, तो बारिश हो रही है तो सारे कपड़े वगैरह वो हमने ऐसे लगा दिए। चलो दिखाता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत सेट करें। ये हमारा रूम है, रूम के अंदर एंट्री करते तो हमें एक ये बेड मिला है, इसमें कपड़े सूख रहे हैं, और फिर ये एक बेड इधर आ जाएगा, सिंगल बेड या गद्दे वगैरह ले आएंगे अभी, गद्दे लाने। और ये हमारा सामान है ऐसा रख दिया, ये काफ़ी अलमारी, ठीक है, ये मेरी अलमारी हो गई, ये कुनाल की हो गई, मतलब कोई भी कैसा भी यूज़ करे, नीचे खाने पीने का किचन का सामान। और फिर यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप लगा दिया है, और यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई फढ़ाई का, और ये हमारा किचन टाइप का हो गया, तो यहाँ पे पानी वगैरह आता है मस्त एकदम बढ़िया। पर इधर किचन हो गया, किचन का कोई सामान नहीं और हमें इतना यूज़ भी नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छा है कमरा, बड़ी मुश्किल में मिला है तो बहुत अच्छा है। और इसके बाहर वो उधर हमारे बाथरूम हो गया, ये ऊपर जीना, और ये हमारा सेकंड फ्लोर में है। मैं आपको बाहर ले जाके दिखाता है अगर बारिश नहीं हो रही होती तो। अभी भी हम बाहर ही जा रहे हैं कुछ खाने, वैसे तो भूख नहीं है पर बाहर जा रहे हैं खाने, क्योंकि जो बगल में दो लोग रहते हैं रूम में, मतलब इसके बगल में एक रूम है, दो लोग रहते हैं उधर, उनके साथ बाहर कुछ खाने जा रहे हैं। एक दो दुकानें पता कर लेंगे गद्दे वगैरह की, तो वो करते हैं पता। और बाहर कुछ जा रहे हैं तो मैं मोबाइल ले जाने की नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स गॉड भाई सब, रूम मिल गया, मतलब सबसे बड़ी चीज़ थी ना जो इधर आने की टेंशन, और सही रेट में भी मिल गया भाई, मज़ा आ गया।